बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर शिजाद बसरा साहब। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। हम यहाँ पे मौजूद हैं सुपर फूड के हवाले से हम डिस्कशंस कर रहे थे। सो हमारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किए हैं कि आप हमें बताइए कि ये सुपर फूड आया है क्या। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम खाना पीना जो खा रहे हैं और एक नई सलाह आ रही है सुपर फूड, सर काइंडली हमें गाइड करें कि ये आखिर सुपर फूड होता क्या है। ये बहुत पुरानी बात है कि जब ये कंसेप्ट आया था सुपर फूड का, लेकिन हमारे लोगों को अभी भी इसका सही तौर पे अंदाज़ा नहीं है। लोग समझते हैं कि हम जो हमारा रवायती खाना है, हम वो खाना खा रहे हैं, वो खाना काफ़ी है। अगर हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हकीम के पास चले जाएंगे, वो हमें कुछ मेडिसिन दे देगा, वो मेडिसिन खा लेंगे। तो लोगों को दो चीज़ों को ही पता है कि एक चीज़ हमारा खाना है, एक हमारी मेडिसिन है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत पहले आया था कि आपका जो खाना है, आपकी जो खुराक है, वही आपकी दवाई बन जाए और दवाई ही आपका खाना बन जाए। मतलब ऐसी चीज़ें खाएं कि जो आपको अलहदा से दवाई खाने की ज़रूरत पेश ना आए। अब हुआ ये कि पहले खुराक सादा हुआ करती थी और उसमें मिलावट नहीं थी, तो वो कदरे बेहतर थी, जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा थी, तो इस वजह से जो खाना खाते थे और सादा गज़ा में वो बेहतर था, लोग कम बीमार होते थे। लेकिन बेतदरीज जब ये रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड आना शुरू हो गई, जिसके अंदर केमिकल्स की भरमार और कंटेमिनेशन की भरमार है, और साथ लाइफस्टाइल जो ना स्लो होता गया, तो लोगों की सेहतें ख़राब होना शुरू हो गई, लोग बीमार बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास या एक किसी तबीब के पास जाने का भी बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया। अब लोगों का कंसेप्ट ये है कि किसी चीज़ के लिए भी बीमार हो उसकी दवाई मौजूद है। अब ऐसी कहाँ से खुराक लेके आए कि जिससे हम बीमार ना हों। तो उसका कंसेप्ट ये है कि दो टर्म है, एक को सुपर फूड कहते हैं, एक को फंक्शनल फूड कहते हैं। पहले मैं फंक्शनल फूड बताता हूँ। फंक्शनल फूड वो है कि वो नेचुरल फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन वो फूड ऐसी है कि जो किसी क्लिनिकली प्रूवन हो कि किसी खास बीमारी के अगेंस्ट वो इफेक्टिव है। अगर आप वो खुराक खाएंगे तो आपको खास बीमारी के आपको उसका इलाज हो जाएगा, ये प्रूवन है। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों में जब डेंगू का बहुत ज़्यादा हुआ था, तो लोगों ने फिर वो नींबू का रस और पपीते के पत्तों का रस वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो उसको आप फंक्शनल फूड कह सकते हैं कि वो बाकायदा आपके प्लेटलेट्स पूरे करते हैं। इसी तरह बेशुमार चीज़ें मौजूद है, बेशुमार खुराक मौजूद है जो टारगेटेड है। जैसे लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रोल के लिए, तो वो फंक्शन फूड है, उसको बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो फलां बीमारी में वो इफेक्टिव होंगे। अच्छा, वो बेशुमार फूड है फंक्शन, ये तो वो खाने चाहिए। दूसरी सुपर फूड्स क्या है? सुपर फूड ये दोज आर हैविली लोडेड विद विटामिंस एंड मिनरल्स, हैविली लोडेड, क्योंकि अंदर नेचुरल केमिकल इतने ज़्यादा हैं कि वो जो आपकी खुराक के अलावा जो आप रूटीन में खाना खाते हैं, हम वो तो स्टार्च खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, उसके अलावा उसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिंस हैं कि आपको अलहदा से खाना ही नहीं पड़ता। तो वो खुराक खाते हुए आपको दवाइयों की शायद ज़रूरत ही पेश नहीं आती, तो वो सुपर फूड्स हैं। लोग अभी तक यही समझते हैं कि खुराक जो है ना वो चंद एक मौजूद है जो किसी खास बीमारी में खा लो, बाकी आप जो खाना खाए जा रहे हो वही खाना खाओ। लेकिन अब डेवलप कंट्रीज में ये है कि सुपर फूड्स को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका जिस्म का मुदाफती अमल जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको अलहदा से अद्वियात की बहुत कम से कम जरूरत पेश आए। तो एक लंबी लिस्ट है। इस जमन में एक बात मैं और करना चाहूँगा कि जो मेडिसिनल प्लांट है, अब हर बंदा समझता है कि चंद पौधे, जैसे हर एक को पता है जी कि नीम मेडिसिनल प्लांट है, कि नीम मेडिसिनल प्लांट है, एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारी जो देसी अद्वियात आती हैं उसके लिए बहुत सारे पौधे हमारे, कि वो जैसे हमारे अक्सन है, कि ये मेडिसिनल प्लांट है। हर पौधे के अंदर मेडिसिन मौजूद, किसी ना किसी एलिमेंट के अगेंस्ट उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई एक आध चीज रखी है, कुछ में ज्यादा है। तो जिनके अंदर बहुत ज्यादा है उनको फिर मेडिसिन प्लांट कह दिया जाता है, दूसरों को कम। हमारे यहाँ भी बेशुमार
जो अब सुपर फूड्स आ रही हैं, लोग सुपर फूड को मेडिसिनल प्लांट समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब हम बीमार होंगे तो तब ये लेंगे तो हमें फौरन जैसे मेडिसिन से फर्क पड़ता है, इससे भी फर्क पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। सुपर फूड और फंक्शन फूड ये है कि आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है ताकि आप बीमार ही ना हो। तो ये कंसेप्ट प्रोफेसर साहब से सर आपने बताया मैं सुपर फूड्स के बारे में कि सुपर फूड्स क्या हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि रवायती क्रॉप्स के ऊपर तो पाकिस्तान में जा बजा रिसर्च हो रही है, जा बजा लेबोरेटरीज कायम है, तो पाकिस्तान में किस हद तक जरूरत है कि हम सुपर फूड्स के लिए भी अलहदा लेबोरेटरी और रिसर्च कायम की जाए, उसकी क्या तरीकाकार होना चाहिए? देखिए 2007-08 में जब मैं अमेरिका गया तो वहां जाके मैंने देखा कि लोगों का लाइफस्टाइल जो है, रहना जो है ना, उसमें वो बहुत ज्यादा ये गैर रवायती फसलें वो बहुत ज्यादा है। कि जब किसी को कहा जाता है ना कि आपने फलानी फूड, फलाना फ्रूट, फलानी चीज खाई है, तो सबसे पहले पूछता है कि इसके अंदर कौन सा विटामिन ज्यादा है, ये किस डिजीज के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है। ये उनका कंसेप्ट कि फलानी फूड खाएंगे आपको एंटी कैंसर है, फलाने में एंटीऑक्सीडेंट है, फलाने में एंटीबायोटिक का रोल है, फलाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, फलाना आईबीएस में, वो बात ही वो ये करते हैं। मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमारे यहाँ ये कि जब किसी से खाने की बात करे, डिश की बात करे, वो सबसे पहला वो सवाल यही करता है कि टेस्ट कैसा है, ये मजेदार कितना है, ये कैसे खाना है। यानी यहाँ सारा जोर टेस्ट के ऊपर है, उनका सारा जोर होता है न्यूट्रिशन के ऊपर। और वो जहां कहा जाता है कि इस चीज को बगैर पकाए खाना है, वो खा कड़वी उन्होंने बगैर पकाए खाना है, उसकी मेडिसिन इफेक्ट है भाई, उसका इफेक्ट है। अगर ये कि इसको आप बेक कर सकते हो तब वो बेक करेंगे, इसको कुक करना है तब वो कुक करेंगे, इसको फ्राई करना है तब वो फ्राई करेंगे, वो उसकी ये देखते हैं कि इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिशन है, उसको मैक्सिमली हमारी बॉडी कैसे ले सकती है। तो वहां यह कंसेप्ट आ गया, इसी लिहाज से उनकी जो आप रिसर्च है उसमें ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये लाइक क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ये ऐसे पौधे हैं कि जो वहां एवोकेडो के, ये अब ये रिसेंट मतलब पास में ये बहुत आगे आए हैं, इसलिए आगे आए हैं कि इनके अंदर आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चीजें मौजूद थी और रिसर्च भी बहुत हुई, उनकी वराइटीज डेवेलप की गई क्योंकि लोग खाते हैं उसमें। अब लोग मार्केट में जाते हैं सबसे पहले वो चेरी टोमेटो ढूंढते हैं, छोटा टोमेटो, हर बंदे की वहां रिक्वायरमेंट है कि उसको छोटे साइज का चेरी टोमेटो मिले, वो उसने लाजमी अपने फ्रूट का अपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। अब चेरी टोमेटो में लाइकोपीन ज्यादा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटी कैंसर है, तो अब उसके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च की। अब हंड्रेड किस्म की चेरी टोमेटो की वराइटीज मौजूद है, रिसर्च के जरिए आई ना, तो इलाके के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से उन्होंने रिसर्च की सारे। हमारे यहाँ ये था कि पॉपुलेशन बढ़े जा रही, अब ये अल्टीमेटली नारा ये बन, पहले कभी इस खत्ते में भी 32 के करीब ग्रेन होते थे जो लोग खाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद फिर ये खादों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो जो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव क्रॉप थी जिनकी यील्ड जो थी पहले तो 10-12 मार से ज्यादा किसकी यील्ड नहीं आती थी, लेकिन जब अचानक 10-12 मार से बढ़ती बढ़ती 60-70-80-90-90 मन एकड़ से पैदावार आना शुरू हो गई गंदम की और चावल की, तो बाकी सब फसलें पीछे रह गई। तो ये स्वीप कर गई उनको कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लोगों को खाना चाहिए, आहिस्ता से ये आ गया भाई दवाइयां अयाशी बाद में, पहले लोगों को रोटी दो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिन है पूरा पॉपुलेशन का, तो उसके लिए फिर ये फसलें आगे आ गई, जो कम यील्डर थी, लेस रिस्पॉन्सिव थी, वो पीछे चली गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हैबिट इतनी बन गई कि अब वो गंदम और चावल के बगैर सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने खाना खाना है, नई चीज उनको फिर ऐड ही नहीं होती। तो अब जब हमने ये अल्टरनेट क्रॉप्स का ये कंसेप्ट शुरू किया तो ये नया कंसेप्ट था यहाँ, लेकिन शुरू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमारी लैब के जो स्टूडेंट वो अब बहुत सारे अब दूसरी यूनिवर्सिटियों में वो अब टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, रिसर्च अदारों में चले गए, उन्होंने वहां से काम करना शुरू कर दिया। जब साइंस कॉन्फ्रेंसिस में इंट्रैक्शन हुआ तो लोगों ने उसके ऊपर अवेयरनेस हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता शायद ही कोई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होगा जहां अल्टरनेट क्रॉप्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो अब स्टार्ट हो चुका है काम। चलिए बहुत
सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सुपर फूड्स का तो पता चल गया तो सुपर फूड्स क्या हैं, हाई न्यूट्रिशन है, हम इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या काम कर सकते हैं? आई मीन अगर हम फार्मर को कन्विंस कैसे करेंगे वो अपनी कैश क्रॉप को छोड़े कि वो इस सुपर फूड के ऊपर शिफ्ट हो जाए? देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, फार्मर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी रवायती फसलें हैं सारी वो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो रुल रही हैं, जैसे कमाद है, गंदम है, मकई, सिर्फ मकई जो है जो कि हाइब्रिड आने से वो उनका इंश्योर्ड होती है सेल हो जाएगी, वीट का भी किसी हद तक गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, बाकी सारी फसलें जो है ना वो जमींदार उसको मिलता कुछ नहीं। जिम्मेदार ये चाहता है उसको ऐसी उसको सुपर फूड से गर्ज नहीं है, उसको कहता है मुझे कोई नई फसल बताओ जो मैं उगाऊं, मेरी अच्छी पैदावार हो, मुझे फौरन पैसे मिल जाए, उसका उसका इशू ये है। तो वो इसमें अट्रैक्ट होके आता है कि एक नई फसल मुझे मिल जाएगी तो शायद ये बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जब उसको कहना पड़ता है ना कि भाई इसकी मार्केटिंग आपने खुद करनी है तो वहां उसकी बस हो जाती है। आम एक जो जमींदार है उसकी कैपेसिटी मंडी से आगे नहीं है, उसकी रीच ये है कि वो फसल काश्त करके अपने करीब तरीन मंडी से भी उसने उधार पकड़ा होता है आड़ती से, उसने खाद के लिए, बीज के लिए, वो उसी को बॉन्ड होता है बेचने के लिए, वो चूंकि वो पुराना वही साहूकार वाला और वो कंसेप्ट होता है, वो आधी फसल तो उसकी चली जाती है उसके कर्जे में, तो वो मजबूर होता है उसी को बेचने, वो औने पौने खरीद लेता है, उस बेचारे को कुछ भी नहीं बचता। अब इसके ये नई जो अल्टरनेट क्रॉप्स हैं ये सुपर फूड सारी इसमें आती है, इसके लिए आपको अलहदा से खुद मार्केट बनाना पड़ती है, मार्केटिंग करना पड़ती है। तो जो जिम्मेदार जो पढ़े लिखे हैं या जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्होंने अब उनकी मार्केटिंग ई मार्केटिंग की है, तो जिनको ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो इसमें से माशाल्लाह बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आम जिम्मेदार की ये बस की बात नहीं, क्योंकि ये आपने वैल्यू एडेड करके बेचना है, प्रोसेस भी कर रहा है, वैल्यू एडिशन करनी, पैकिंग भी करनी, मार्केटिंग भी आपने खुद करनी है। तो कंसेप्ट क्या है जिम्मेदारों को हम ये बात समझाते हैं कि आपने बड़े सारे एरिया के ऊपर ज्यादा सारी फसल काश करके इतनी सस्ते दामों बेचनी है या थोड़े रकबे के ऊपर फसल काश करके प्रोसेस करके वैल्यू एड करके आप बहुत महंगी बेचनी है, तो चॉइस इज योर। अगर आप वो कर सकते हैं तो जिन लोगों को ये समझ लगती है वो तो आप इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो फार्मर है उनके बस की ये शायद बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सुपर फूड्स के बैन अल-अक़वामी मयार को हम पाकिस्तान में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, आया हमें इसके लिए कोई टेस्ट या एनालिसिस करना चाहिए, इसको कैसे चेक करना चाहिए? देखिए ये रिस्पांसिबिलिटी रिसर्चर की है कि जो क्रॉप यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके वो बेसिक जो स्टैंडर्ड है क्राइटेरिया उनको सबको वो मीट करे, वो देखे। जैसे हमने किनवा इंट्रोड्यूस करवाया तो किनवा हमारे पास को 170 के करीब हमारे पास जर्म प्लाज है, हम पहला तो उसका स्टेप ये होता है कि आप ऑप्टिमाइज करें लोकल कंडीशन में वो यहाँ सूट भी करते हैं कि नहीं करते, तो जो लाइनें यहाँ सूट की जिनकी अच्छी यील्ड थी वो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगला मरहला आता है कि इनके अंदर कोई डिजीज, कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक या कोई ऐसा वीडी बिहेवियर तो नहीं, जब उसकी भी तसल्ली होगी तो फिर अगला मरहला आता है कि आप देखें इसकी न्यूट्रिशन कितनी है और उसकी पैदावार कितनी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसके जो बेसिक स्टैंडर्ड है लाइक किनवा के ऊपर हम बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन परसेंट की कितनी है, क्या वाकई 13% से ज्यादा प्रोटीन है उसमें, और उसके बाद फिर हम उसके जो मिनरल्स हैं कि खास तौर पे पोटेशियम है, मैग्नीशियम, जिंक, मैगनीज वगैरह, वो उसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट की उसके बराबर है या नहीं है, तो फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स कुछ जो थोड़े बहुत हम देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमने देखे तो वो हमें पता चला कि हमारी जो लाइनें हैं जो यहाँ सिलेक्ट हुई हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमने चेक की वो इंटरनेशनल मयार के बराबर या इवन कुछ भी बेहतर भी है, तो वो हमें फिर तसल्ली हुई। इसी तरह जो भी हम नई फसलें लेके आते हैं, प्रोसो मिलेट है, पर्ल मिलेट है, इसके अलावा हमारे पास बकवीट है, चिया है, एमरंथ है और मोरिंगा, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, साथ साथ हम उसकी बेसिक न्यूट्रिशन प्रोफाइल तो करते हैं, हाँ उसकी जो बहुत ज्यादा जो फाइटोकेमिकल्स हैं, एक लॉन्ग रेंज है, स्पेसिफाइड है, उसके लिए बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए और वो करने पड़ेंगे, वो स्पेसिफाइड है, लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो हम मीट करके जिसके यहाँ आते हैं वही हम डिक्लेयर करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो
तो वगरना मैं आपको इसको कंक्लूड ऐसे करता हूं कि मेरे ये लोग ये समझते हैं कि शायद हमें अब कोई खास मतलब मेरे पास लोग ये आते हैं कि जी मुझे जी ब्लड प्रेशर हो गया तो मैं कितना मुरिंगा या कितना किनवा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो फंक्शन फूड को या सुपर फूड को ऐसे रहते हैं कि मेरी वालदा को शुगर है तो कितना मुरिंगा दूं तो वो ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ये जोड़ों का दर्द है तो कितना मुरिंगा खाऊं तो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही समझते हैं जैसे एक हकीम या डॉक्टर के पास गए हैं और वहां से वो ये चीजें लेंगे। वो यही चीजें समझते हैं कि एक हकीम के पास आए, हकीम उसे जैसे बाकी दवाई देता है ऐसे ही उसे वो किनवा या मुरिंगा दे देगा या चिया दे देगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कदर कोई बात नहीं है। आपने फूड का हिस्सा बनाना है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा बेतदरीज आप बीमारी कम होंगे। लेकिन कुछ लोग जिनका बीमारी अभी शुरू के हिस्से में होती है वो जब ये सुपर फूड और फंक्शन फूड लेते हैं उनकी बीमारी काफी हद तक बेहतर हो जाती है। साथ एक लाइफस्टाइल है, जो बंदे अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं ये सुपर और फंक्शन फूड भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। जो बंदा ये समझता है कि सारा दिन उसने बैठना है और उसने मूव बिल्कुल नहीं करना और उसने जो प्रोसेस फूड है वो सारा दिन खानी है, सारा दिन उसने ड्रिंक और जूसेस पीने हैं और उसे एनर्जी ड्रिंक लेने हैं, साथ में मैकडॉनल्ड केएफसी खाना है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं एक मुरिंगा का कैप्सूल खा लूं या कभी कभार हफ्ते में एक दफा मैं किनवा के खीर खा लूं या हफ्ते में दो या तीन दिन मैं चिया खा लूं और उसके बाद मैं सुपर फिट हो जाऊं, तो उनकी ये भूल है। वो ना ही ये सुपर फूड और फंक्शन फूड इस्तेमाल करे ज्यादा बेहतर है। तो मेरा वो है कि जो बंदा चाहता है कि वो बीमार ही ना हो वो सुपर फूड और फंक्शन फूड इस्तेमाल करे, जो चाहता है कि उसने बीमार ही होना है और वो बेशक ना इस्तेमाल करे और अपनी लाइफ जैसे वो चलाता है वो चलाता जाए। और एक जो आखिरी चीज मैं वो बताना चाहूंगा, अब एक सवाल अक्सर मुझे होता है जी बताएं जी मुरिंगा अच्छा है या किनवा अच्छा है या चिया अच्छा है या इनमें से कौन सा लें। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है, जवाब ये मजेदार है कि आपको रोजाना एक ही चीज खाने को रोजाना मिले, चंद दिनों बाद उगता जाते हैं सोया रोटी के, रोटी से को नहीं उगता, आप उसमें उगता जाते हैं, उसमें अगर एक चीज की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में मुसलसल वो डेफिशिएंसी रहेगी। अब कहते हैं ना डाइवर्सिटी, अब बेहतर लाइफ के लिए कि आपका जो ब्रेड बास्केट है ना, आपकी जो ट्रे है खाने आ, आपका जो डाइनिंग टेबल है उसके अंदर डाइवर्सिटी हो, उसके अंदर वैरायटी ज्यादा हो, चेंज कर करके खाएं और ज्यादा चीजें खाएं, एक चीज से पेट भरने के बजाय थोड़ी 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 डिफरेंट लें, ज्यादा चीजें लें जितनी एक, क्योंकि एक केमिकल एक में है दूसरे में नहीं है, एक दूसरे में है तीसरे में नहीं है, कोई एक कंप्लीट फूड नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लें। हाँ बच्चे के लिए दूध है वो एक खास एज तक, उसके बाद एक फूड नहीं है कि आप एक चीज लें तो आपको सब कुछ मिले, नहीं, आप सब लें। अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई हैं सारी की सारी लें, अब उनके अंदर एक एक कंपाउंड ऐसा है, जैसे अलसी है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मोर देन 50% है, इतने ज्यादा एंटी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगे वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी हेल्प करेगा, आपकी डाइजेशन को हेल्प करेगा, उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। अगर आप ये ओट मील लेते हैं उसमें बीटा ग्लूकन है, वो आपकी आंतड़ियों का सारे सिस्टम को और कोलेस्ट्रॉल को कमाल का इफेक्ट करता है। तो वैरायटी ऑफ चीजें वो लें, अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई हैं उसमें सब अच्छी हैं, तो लिहाजा ये कंपेयर हम नहीं कर सकते कि ये अच्छा है ये अच्छा है, हर कोई अपनी जगह अच्छा है, ये सारी चीजें लें और चेंज कर करके लें, तो जितनी डाइवर्सिटी आपकी फूड के अंदर होगी उतना ही आपकी बॉडी को बेहतर आपके सारे फाइटोकेमिकल्स और रिक्वायर्ड्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और जितने भी आपको फंक्शनल कंपाउंड चाहिए वो ज्यादा मिलेंगे अगर वैरायटी ऑफ फूड आप खाएंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ आना चाहिए कि ये जो नेचुरल सप्लीमेंट है दिस शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ योर डाइट। सर आखिर में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हाजिर हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया।